बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजा की घोषणा के बाद अधिकारियों ने किसानों को पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए थे, लेकिन किसानों को ऑनलाइन की जानकारी नहीं होने के चलते किसान कृषि विभाग के कार्यालय में फॉर्म जमा करवा रहे हैं। और कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक महेंद्रगढ़ में 5,900 फॉर्म जमा हो चुके हैं और वहीं सोनीपत में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की 3,000 शिकायतें पहुंची हैं जिन्हें कृषि विभाग वेरीफाई कर रहा है। ये ऐसा है जी, पानी भराव की वजह से फसल खराब हो गई, तो हम फसल के लिए ये फॉर्म भर के और बैंक में केसीसी करवा रखी है, तो बैंक वालों ने कहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर जाओ और एग्रीकल्चर के अंदर ये फॉर्म ले जाओ और ये भर के और उसकी कॉपी लेकर बैंक की जो केसीसी है उसको वहां जमा करवाओ, तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, नहीं तो नहीं देगी। नुकसान तो जी मतलब है वो तो करना का बाद मेरा पाटा हो, फिलहाल तो चक्कर ही हो सकूँ मैं दाणू बचा को नेक भी मजला के बिल्कुल ऊपर का पानी है जो सुन के बचे वो तो करना का बाद मैं 10-20 मिनट जाए तो जिन मुश्किल से और बनेगा वही बिल्कुल हल्का बनेगा, मतलब अडम्फा आगा नहीं चला जाएगा। किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो खुद की अपनी सूचनाएं जो होती है, किसान की स्वयं की सूचना होती है उनको भरते हुए उनके हाथ कांपते हैं। मोस्टली किसान अपने किला नंबर या खसरा नंबर खेवट नंबर उनको नहीं पता होता, जो फोरम में कॉलम है और उस कॉलम की महत्ता यह है कि जब सर्वे होगा तो वो उसी खेत का किया जाए कि किस खेत में कितना किला नंबर में कौन सी फसल की उन्होंने बिजाई कर रखी है।